हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एमके अर्थ। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय हिंदी, कार्यपत्रक 28, कक्षा 6। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पेट दर्द ऐसे ऐसे को मास्टर जी ने पहली नज़र में ही पहचान लिया कि मोहन बहाना बना रहा है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी में मोहन के साथ और क्या क्या हुआ, आइए कार्यपत्रक के अंतिम भाग को पढ़कर जानते हैं। मास्टर हूँ, शायद सवाल रह गया है। मोहन जी, मास्टर तो क्या बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ चौकस क्या, मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी दिखती है। पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकाल दी गई, 15-20 रुपए खर्च हुए तो सो अलग। पिता से देखा जी आपने। पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता हे देवा, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण भर ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ वाह मोहन वाह। पिता वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब चकाया, एक अट्टास के बाद पर्दा गिर जाता है। आइए इससे रिलेटेड प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, ऐसे कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं, ऐसे कुछ बहानों के नाम लिखिए। तो उत्तर है, ऐसे कुछ बहाने दिए जा रहे हैं जिसे मास्टर जी अच्छी तरह से समझ जाते हैं। पहला है पेट में दर्द होना, दूसरा है होमवर्क की कॉपी घर भूल जाना, थर्ड है सिर में दर्द होना, फोर्थ है चक्कर आना, फिफ्थ है जी घबराना। प्रश्न नंबर 2 है, ऐसा होता तो क्या होता, मास्टर स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन हाँ, मैं सिर हिलाता है। मोहन जी सब काम कर लिया है, ऐसी परिस्थिति में नाटक का अंत क्या होता, सोचकर लिखिए। उत्तर है, ऐसी स्थिति में मास्टर जी समझ जाते कि मोहन बहाना नहीं कर रहा है, उसके पेट में सचमुच दर्द है, वह मोहन के माता पिता को उसका ठीक तरह से इलाज करने की सलाह देते। प्रश्न नंबर 3 है, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए, मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी, अपने मित्र या भाई बहन से चर्चा करके लिखिए। तो उत्तर है, यदि कभी मोहन को सचमुच दर्द हो जाए और लोग उसकी बातों पर विश्वास न करें, तब जाकर मोहन को पता चलेगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है, उसे अपने किए पर पछतावा होगा और संभवतः वह भविष्य में कभी झूठ बोलने से तैराक कर लेगा। तो आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।